अस्सलाम वालेकुम, इस नई वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था, ये कितने खूबसूरत तरीके से अब नज़र आना फाइनली शुरू हो गया है। स्पेशली क्लाउड्स देखें कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, और ये देखिएगा ये जो मार्स हमने बनाया है कितना खूबसूरत दिख रहा है, उसके पीछे गैलेक्सी, एक बड़ा ही ज़बरदस्त साइंटिफिक मतलब एक साइंस फिक्शन लुक आ रहा है इसमें। लेकिन इसमें कुछ एडिटिंग की चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे किस तरीके से इसमें करेंगे। स्पेशली ये जो डार्क पार्ट है इसको थोड़ा ब्राइट करना है, तो ये किस तरह करेंगे ये देखना है हमें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो एडजस्टमेंट लेयर लगाई थी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, उसमें से आपको याद होगा कि ब्राइटनेस हमने यहाँ से ऐड किया था, तो इस ब्राइटनेस को यूज़ करेंगे, लेकिन यही ब्राइटनेस ऐड करेंगे लेकिन सिंपल इसी एरिया पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं। जिस तरह आपको पता होगा सिलेक्शन हम अलग टूल से बना सकते हैं, दो तरीके टूल हैं। ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैजिक वॉन्ड आ गया और ये दूसरा आ गया उसका, इसको भी क्विक सिलेक्शन टूल कहते हैं, और एक मैजिक वॉन्ड आ गया क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट किया और आपने ये लेयर सेलेक्ट किया यहाँ से, स्पेशली ये चीज़, और थोड़ा सा मैं अपने ब्रैकेट से बड़ा कर रहा हूँ उसको। अच्छा, इस पर अगर आप ऑल्ट राइट क्लिक करें तो ये देखें ये आ जाएगा जैसा आपके, तो यहाँ से आपने ये टूल ले गया, और जिस तरह आपको पता है कि आप क्लिक करते जाएंगे तो ये उस एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा। ये सिलेक्ट नहीं हुआ सही से, तो मैं डी सेलेक्ट कर लूँगा दोबारा से, इस टूल को सिलेक्ट करके बाहर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। दोबारा मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और मैं क्लिक करना शुरू कर रहा हूँ, ये देखिएगा। अच्छा, मैं ऑटो इन्हेंस चेक हटा रहा हूँ, ये देखिएगा सेलेक्ट होना शुरू हो गया। अच्छा, कीप इन माइंड कि हमें सिर्फ ब्लैक एरिया सेलेक्ट करना है, ये जो डार्क ये जो डिफरेंट कलर के एरिया आ रहे हैं ये हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो फिलहाल मैं सेलेक्ट करते जाऊँगा इसको, ये भी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखिएगा तकरीबन हमारे पास ये सिलेक्शन बन गई। कुछ ज़्यादा बन गई तो मैं कंट्रोल सेट करूँगा और थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं यहाँ से इसको, और थोड़ा ब्रश छोटा करके क्लिक करूँगा ज़रा सा, और ये देखिएगा यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस एरिया से सिलेक्शन हटानी है। हम चाह रहे हैं बाकी ब्लैक सेलेक्ट है, बाकी हट जाए, तो मैं यह करूँगा कि नेगेटिव को सिलेक्ट करके इस पर ईजीली मैं क्लिक करूँगा, देखिएगा ये सिलेक्शन हटना शुरू हो गया यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ से मैं ये हटाऊँगा, ये देखिएगा कि मैंने इसको हटाना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ डार्क पार्ट चाहिए, ब्राइट पार्ट नहीं चाहिए, और मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ से, ये देखिएगा इधर से मैंने हटाना शुरू कर दिया उसको, और ये इससे हट गया, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, मैं अपनी माउस आईकॉन छोटा कर रहा हूँ ब्रैकेट से। ये ब्रैकेट आपको शायद पता हो किससे, छोटा होता ब्रश का साइज आपके पी के बराबर में, जो दो बटन आ रहे हैं पी के सीधा हाथ पे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, इससे होगा छोटा बड़ा। और मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, और ये देखिए देखें आप, एक क्लिक एंड देन एक और क्लिक, ये बेसिकली इस पर सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन में ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, राइट, एंड इसको मैं यहाँ से भी डिसलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, और ये देखिए, तो ये इतना पार्ट आपका डिसलेक्ट हो रहा है। अब जैसे कि ये भी डिसलेक्ट करना है यहाँ से, तो आप सेलेक्ट थोड़ा माउस छोटा करेंगे, अब ये यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो आप काइंडली इसको इजी कीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिकली प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो हो रहा है, राइट। एंड सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो बेसिकली जो भी अच्छी चीज़ बनती है उसमें मेहनत तो होती है डेफिनेटली, तो मेहनत होगी तो अच्छी चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं बनने के। ठीक है, तो ये देखिएगा इधर से, ये देखिएगा यहाँ से इस तरह बन गया थोड़ा सा, और इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से ये, राइट। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखिएगा ये, ठीक है, प्लस ये वाला भी पार्ट,
एंड देन ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट, और इस तरीके से तकरीबन हमने ये चीज हटा दिया। अच्छा ये कोई ज़्यादा हो चुका है, तो इस तरह नहीं हो गए, यहाँ से हटाना है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिसलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हटना शुरू हो जाए यहाँ से, जो सिंपल अंदर वाला पोर्शन ज़्यादा चाहिए। तो तकरीबन ये बन गया है, थोड़ा सा और यहाँ से बता रहा था। ठीक है, तो देखिएगा तकरीबन ये पोर्शन जितना मुझे चाहिए था, डार्क सेलेक्ट हो गए और ब्राइट जो है डिसलेक्ट। ये थोड़ा सा देख लेता हूँ, राइट। सो तकरीबन ये ऐसा हो गया। अच्छा ये करने के बाद अब हम सिंपल एक काम करेंगे, ये जो ब्राइट क्लियर है एडजस्टमेंट लेयर, ये सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से ये, और यहाँ पे मास्क कर दूँगा इसको। ये देखिएगा ये मैंने मास्क कर दिया, अब देखिएगा वो ऑटोमेटिकली उस लेयर पे सिंपल अप्लाई हो गया। ये देखिएगा, देखें आप, अब मैं क्या करूँगा, मैंने ऑफ करा तो देखें थोड़ा डार्क, अब ऑन करा, अब डबल क्लिक करके दोबारा से इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दूँगा, ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा, देखिए ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, कंट्रास्ट थोड़ा सा डार्क इस तरफ किया, थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं करना आपको, ये बेसिक टेक्निक आपको समझाने के लिए। तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा दूँगा मैं, यहाँ क्लिक करके आप दूँगा। सो ये था इसके अंदर। और अच्छा इसमें एक और चीज़ है, अगर आप थोड़ी जूम इन करके देखें तो आप देख रहे हैं, ये देखें इसके ऊपर ये हार्ड एजेज आ रही हैं, देखिएगा ये देखें हार्ड है, कितनी बुरी लग रही है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, इस मास्क पे क्लिक करूँ, तो देखिएगा यहाँ पर ये फैदर आ रहा है, फैदर मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये देखिए देखिएगा फैदर उसका करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप फैदर करें तो इसके एजेस ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा डेंसिटी आप चेक कर सकते हैं इसकी, कितनी डेंसिटी हो, कम करूँगा तो ये डेंसिटी कम होना शुरू हो रही है, थोड़ी सी बढ़ाऊँगा उनको ऑरिजिनल साइज पर, फायदा करते हैं इसको। सो ये था इस ट्रेनिंग में, ये इस ट्रेनिंग का मकसद ये था कि आपको एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ही अप्लाई करना, और इसके साथ साथ कोई क्लास टूल को यूज़ करना था, और दूसरा ये था कि हमें इसको एडजस्ट करना था अपने इस ओवरऑल लुक के साथ। सो अब देखिएगा कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्राइट हो चुका है जैसे हम चाह रहे थे ओरिजिनली। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर एक नई टेक्निक लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है इस ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच।